नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के नए चैनल में जो हमने बनाया है हेल्दी गुरु जी के नाम से। तो हमने अभी कुछ दिन पहले आपको एक बताया था कि जो पेंडर्म क्रीम है, तो अक्सर वो क्रीम तो यूज में आती है दाद खाज खुजली की, लेकिन लोग उसको फेस पर यूज करते हैं, वो भी गोरा होने के लिए। ओह, बहुत बड़ी मिस्टेक है लोगों की, लेकिन लोग कर रहे हैं। चलिए, हमने उस कड़ी में आपको बताया था कि हम आपको एक ऐसी बेहद मशहूर क्रीम के बारे में बताएंगे जिसको लोग यूज कर रहे हैं गोरा होने के लिए। तो आज क्या है वो खुलासा, तो आज हम उसी खुलासे कड़ी में आपसे बातचीत करेंगे। तो ये क्रीम है जिसका नाम है स्किन लाइट। तो ये स्किन लाइट जो है ये बहुत ही मशहूर क्रीम है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई इसको जरूर इस्तेमाल करता होगा। ये क्रीम इसको झाइयाँ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्रीम, एक बार देखिए ये क्रीम। मैं चाहता हूँ आपने देख ली होगी क्रीम तो। और अब ये जो क्रीम है इसको झाइयाँ वगैरह गोरा होने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो केमिकल है ना, वो केमिकल इतने डेंजरस है केमिकल, और बाकायदा ये क्रीम के ऊपर लिखा भी हुआ है कि इसको जो है किस सिचुएशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज हम उसी सिचुएशंस और उन्हीं जो केमिकल पाए गए हैं इन्हीं के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर बलवीर सिंह शेखावत जी। तो बलवीर जी नमस्कार। नमस्कार। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे दर्शकों को मार्ग प्रशस्त करें कि यह क्रीम किस कंडीशन में यूज़ करें और किस कंडीशन में यूज़ ना करें। स्किन लाइट जो क्रीम है इसके अंदर मेनली तीन तरह के साल्ट पाए जाते हैं, हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटिनोइन एंड मोमेटासोन जी। राइट। इसमें अपने तीनों साल्ट का अपना अलग अलग रोल है, अपन देखना चाहे तो। जैसे पहले ही नंबर पे आ गया अपना हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक तरीके का स्किन का जो कलर है उसको लाइट करता है। हाइड्रोक्विनोन जो है वो स्किन के कलर को लाइट करता है। कि मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये स्किन के कलर को लाइट करता है या हमारी जो स्किन है इसको पतला करता है? नहीं, मेनली स्किन के कलर को लाइट करता है। मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे ये काम करता है। ये मेनली जिस एरिया के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है ना, तो वहाँ पर जो मेलेनोसाइट सेल्स होती है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती है, उस एरिया से मेलेनिन के प्रोडक्शन को ये कम कर देता है। इस तरह इसका जो स्किन को लाइट करने का रीजन इसका ये है, क्योंकि मेलेनिन की वजह से अपने स्किन का उस एरिया का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। स्किन में ज्यादा मेलेनिन है उसकी त्वचा वो हल्की डार्क होगी, इसके मेलेनिन कम है वहाँ पर वो त्वचा जो है वो गोरी होगी। तो जो हाइड्रोक्विनोन जो आपने बताया ये वहाँ पर मेलेनिन का कम कर देता है, रिडक्शन को कम लेकिन ये जो इफेक्ट है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जब तक आप इसको लगाओगे ना उस एरिया के ऊपर, तब तक ही उस एरिया के कलर को लाइट करेगा। जैसे आप इसका यूज है वो डिसकंटिन्यू कर दोगे ना, तो वापस वो एरिया जो है ना पहले से ज्यादा डार्क हो जाएगा। और दूसरी बात, उस एरिया की काफी ज्यादा जो सेल्स है ना मेलेनोसाइट, वो डेथ भी हो जाती है हाइड्रोक्विनोन की वजह से। अच्छा। जो उस वो एरिया जो है ना वो पहले से ज्यादा डार्क हो जाएगा, ब्लूश हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ऐसा। अच्छा। दूसरे नंबर पे अंदर इसके अंदर अपना साल्ट आता है ट्रिटिनोइन। ट्रिटिनोइन एक्नी के अंदर यूज किया जाता है, जो पिंपल्स होते हैं उस हिसाब से इसकी कंपोजिशन है, एक्नी के अंदर इसको यूज किया जाता है। विटामिन ई का ही एक फॉर्म है। अब ये जो है ना साल्ट, वैसे एक्नी के अंदर तो इसका बहुत अच्छा रोल है, लेकिन ये जो है मेनली इसमें जो अपने को प्रिकॉशन लेनी होती है वो ये है कि ये प्रेगनेंसी के अंदर यूज नहीं किया जाता। इस क्रीम के ऊपर मेंशन भी है कि ये जो क्रीम है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग यूज नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल, आप मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो ट्यूब है इसको प्रेगनेंसी के अंदर नॉट टू बी यूज्ड। बिल्कुल, इसका रीजन ये है कि ये कैटेगरी सी ड्रग है। प्रेगनेंसी में अपन अलग अलग ड्रग को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी सी में आती है। कैटेगरी सी का मतलब ये होता है कि इसकी जो मतलब ये प्रेगनेंसी में सेफ है, इस तरह का कोई रिसर्च नहीं हो सका। मतलब ये सेफ नहीं कंसिडर की जा सकती प्रेगनेंसी के अंदर कि आप इसको यूज कर सकते हो, इस तरह ये सेफ नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर, ये सेफ नहीं है। इसको कैटेगरी सी के अंदर रखा गया है। इसकी इफेक्टिवनेस को प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी अपन सर्टिफाई नहीं कर सके। इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट है। टेराटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन इसको अपन किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाते हैं, ठीक है, तो वहां से इसमें जो ट्रिटिनोइन इसका साल्ट है, मेन इसका इंग्रेडिएंट है, वहां से अब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा ना, तो प्रेग्नेंट लेडीज में जो फिटस है
उसके लिए काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो सकता है, गर्भस्थ शिशु, उसकी रिब्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, रिब्स बनती है जो अपनी, रिब्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके हेड है, हेड जो है ना, हेड का जो एरिया है उसमें फ्लूइड भर जाता है कई बार, फ्लूइड भर जाता है, कोई पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है इसकी यूज से, और जो हेड की शेप है वो भी चेंज हो सकती है इसके यूज करने से। वैसे ये रेयर केसेस में है, लेकिन किसी भी तरीके से जैसे ये अब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कईयों को प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, तो कई क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वहां से इसका अब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा हो सकता है, तो उस केस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि इसमें जो ट्रेटिनाइन नाम से जो साल्ट डाला गया है वो इतना खतरनाक है कि अक्सर लेडीज़ वगैरह इसका यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो स्ट्रेच मार्क पेट पे हो जाते हैं क्योंकि पेट अपना स्ट्रेच होकर बाहर आता है, तो फिर वो उसके बाद में जो स्ट्रेच मार्क्स ना रहे उस दरमियान में इस क्रीम का यूज़ करते हैं कई माताएं बहनें, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इतने खतरनाक है कि इससे गर्भस्थ शिशु को बहुत नुकसान हो सकता है। तो कृपया प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसका ध्यान रखना होगा। अगर आप मान लो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसको यूज करना चाहते हो तो उस टाइम के लिए फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना या तो बंद कर दो या फिर इस क्रीम को यूज कर लो, दोनों में से एक ही काम कर सकते हो। ब्रेस्ट के मिल्क में भी ये साल्ट आ जाता है तो वो बच्चे के लिए वैसे भी नुकसानदायक। यानी कि ये साल्ट है ये बहुत ही हमारे रोम क्षेत्र के द्वारा हमारे रक्त में मिल जाता चला जाए तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है। और मोमेटासोन जो होता है एक तरह का स्टीरोइड है ये, तो फिर स्टीरोइड सब बोल दिया तो ये तो वैसे ही हानिकारक हो गया। इससे क्या होता है कि जो सेल्स की एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, सेल्स की एक्टिविटी रेगुलर यूज करने से इसमें क्या, जैसे हेयर ग्रोथ हो जाना, स्किन जो होती है वो पतली हो जाएगी, अगर आप लाइट में जाओगे सन एक्सपोजर में तो वहाँ पे रेडनेस पैदा हो जाएगी, इस तरह के इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट है। तो ओवरऑल ये जो क्रीम है ये वैसे तो अगर आप प्रेगनेंसी को छोड़ दो, लैक्टेशन को छोड़ दो, तो वैसे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए जैसे इसको कहाँ यूज़ करना है जो इसके कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन हो गई, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन से मेलोसमा साया पड़ जाती है अपने पर्टिकुलर एरिया पे, वहाँ यूज़ कर लो। कोलेसमा इसमें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो मैं यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा दर्शकों के लिए ही, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये रिवर्सिबल इफेक्ट है। हाँ। तो अगर मान लो मेरे छाइयाँ आ गई हैं, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मुझे लगता है मैं ठीक भी हो जाऊँगा, लेकिन क्या वो छाइयाँ परमानेंट ठीक रहेंगी या रिवर्सिबल? ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट ठीक नहीं हो सकती कभी भी, तो मतलब ये रिवर्सिबल है, जब तक आप यूज करोगे ना तब तक तो इसका इफेक्ट रहेगा, जैसे आपने छोड़ा ना तो इसका इफेक्ट वर्स्ट हो जाएगा और भी ज्यादा। भाई जो ओवरऑल एलोपैथिक के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है और अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि एलोपैथी का जब तक हम जिंदा है एक बार लग गई गोली तो वो परमानेंट चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग, तो ये क्रीम भी क्योर नहीं है। इसका कहने का मतलब अपनी जो छाइयां है उसका क्योर नहीं है, क्योर नहीं है, आप यूज कर लो, जब तक लगाते रहेंगे वो ठीक हो जाएगी, जैसे छोड़ेंगे वो वापस से बेहतर हो सकती है। हाइड्रोक्विनोन का ये है, ऑनकोरोसिस एक प्रोसेस आती है, एक डिजीज, एक कंडीशन है, उसके अंदर ऐसा ही होता है कि जैसे आप इसका यूज डिसकंटिन्यू करोगे आपके ब्लूश डार्क कलर के जो है पैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। पहले तो क्या है कि आप थोड़े एरिया थोड़ा सांवला ही था, लेकिन बाद में ज्यादा प्रॉब्लम, स्किन डिजीज तो नहीं है ना, स्किन डिजीज होनी शुरू हो गई। तो मैं अभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि गौर से देखिए इस क्रीम को, ये वही क्रीम है, अगर आपने इसको एक बार यूज कर लिया तो यूज तो एक बार कर लेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन दोबारा आपका चेहरा इतना भयंकर हो जाएगा कि आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया। इसको लिमिटेड या वन मंथ के लिए यूज कर सकते हो, जो कुछ कंडीशन है उनमें, जैसे मेलोसमा हो गया, छाया यूज कर लो वन मंथ के लिए, जैसे कई बार एयर स्पॉट पड़ जाते हैं, कई एरिया एजिंग के स्पॉट पड़ जाते हैं उनमें यूज कर लो, बंस मार्क्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और जैसे कोई और मार्क्स पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर उसमें यूज कर सकते हो, लेकिन ये परमानेंटली इफेक्टिव नहीं है, ये तो गारंटी है परमानेंटली इफेक्टिव नहीं है, साइड इफेक्ट तो अगर परमानेंटली इसके काफी सब्स्टिट्यूट है, और ज्यादा है, और ज्यादा मेडिसिन आती है जो इससे ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा कई। तो हम आज हम दर्शकों कहेंगे अगर आप स्किन लाइट नाम से, स्किन लाइट का मतलब ये नहीं सर स्किन लाइट गोरे होने के लिए, तो हमने ये कि अब एक हमारे क्रीम और रखी जो जेनरिक है इसका हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, तो ये जो सेम साल्ट है दोनों में, इसमें भी बिल्कुल सेम साल्ट है, साल्ट जैसे मेमेटोसोन, हाइड्रोक्लोरो, टेटोनोटिन, ये तीनों चीजें इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन साल्ट की कोई भी क्रीम आप यूज करेंगे तो ये आपके लिए परिणाम घातक हो सकते हैं, तो कृपया रिक्वेस्ट है, बाकी तो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी यूज नहीं करना, आपके ऊपर डिपेंड है, हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं करो ना करो आपकी इच्छा है,
इसमें जो चीज़ है हमने आपको उस पर बताया है कि अगर आप करते हैं तो आपको इसके बाद जब छोड़ेंगे तो और भी भयंकर परिणाम मिल सकते हैं, और गर्भस्थ शिशु के लिए और या जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो वो तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये जो जहर है तीन, ये जहर उसके शिशु के भी अंदर जा सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बलवीर जी का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और आप तक पहुँचाई। तो नमस्कार मित्रों, और आशा रखता हूँ कि एक इसी कड़ी को आगे चलाते हुए हम कुछ नई चीज़ आपके सामने फिर लेकर के आएंगे और उसमें बताएंगे कि आपको उसके क्या फ़ायदे नुकसान है। तब तक नमस्कार, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, टेक केयर।